नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये का निवेश करता है। यदि गलती से उसे साधारण ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है तो कितना अधिक ब्याज अर्जित किया जाएगा। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, लेकिन गलती से क्या हुआ कि साधारण ब्याज का उसे भुगतान करना था लेकिन देने वाले ने चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करके उसे पैसा दे दिया। तो अब आप बताइए कि उसे कितना अधिक पैसा दे दिया गया है। यानी हमें सीधी सी बात है, इस प्रश्न में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या क्या हमें दिया गया है, एक तो टाइम दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, रेट दिया गया है 10% और पी दिया गया है 10,000। ठीक है, ये 3 चीजें उसने हमको दी हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसका हम अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमें इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी की भागे 100। मूलधन 10,000, टाइम है 2 वर्ष, रेट है 10 भागे 100। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1,000 × 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसे, 2,000 रुपये। अब हम निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, पी 1 + R/100 की पावर टाइम -1 लगा देंगे। पी की वैल्यू है 10,000, 1 + R की वैल्यू है 10/100 का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे 10,000 तो जीव का तू रहेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 0 कट जाएगा, 10 × 1 = 11, 11² = 121/100 - 1। ठीक है, आगे सॉल्व कर देंगे तो 10,000 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, गुणा 100 इधर पहुँचेगा, 121 में से 100 घटेगा तो 21/100 बचेगा, 0 2 कट जाएंगे, 21 × 100 होगा तो क्या हो जाएगा, 2100 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज आया 2,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आया 2100 रुपये, इसका हम अंतर निकाल देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 2100 - 2,000 बराबर कितना निकल के आया, 100 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, तो यह तो एक जनरल मेथड थी जो कि हर कोई लगा देता है। अब इसकी एक दूसरी मेथड भी है, वह हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है, इसके लिए हम इसको पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को अपनी दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दूसरी मेथड हमारी क्या है, अब हमें जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है तो सूत्र हमारा क्या होता है, पी आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न में उसने हमसे यही पूछा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी वही तो अधिक ब्याज उसको अर्जित हुआ है। अब इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू है 10,000, आर की वैल्यू है 10/100 का स्क्वायर, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ 10,000 × 1/10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, ये 2 0 कट जाएंगे, आंसर कितना निकल के आएगा, 100 रुपये। ठीक है, तो उस मेथड से भी 100 रुपये आ रहा था और इस मेथड से भी 100 रुपये आ रहा था, यानी सीधी सीधी बात है कि उसको 100 रुपये अधिक ब्याज अर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ।
नमस्कार।